हाई एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माई चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। मेरा नाम ऋचा जैन है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा मिडलाइन क्रॉसिंग। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ ऐसी शेयर करूँगी जिसमें मिडलाइन क्रॉसिंग होती हैं। तो आई विल शो यू नाइन एक्टिविटीज़ आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम बच्चों के साथ कर सकते हैं और उनका बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिडलाइन क्या होता है, मिडलाइन क्रॉसिंग क्या होता है। तो मिडलाइन इज एन इमेजिनरी लाइन जो हमारे लेफ्ट साइड को राइट साइड से डिफ्रेंशिएट करती है। ये इमेजिनरी लाइन होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो दोनों ब्रेन्स का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, और जो हमारा राइट ब्रेन है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दोनों ब्रेन्स का अलग अलग फंक्शन होता है। एक ब्रेन हमारा ज़्यादा क्रिएटिव होता है और एक ब्रेन हमारा ज़्यादा लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करता है। अब मिडलाइन क्रॉसिंग आपने जाना, मिडलाइन होता क्या है, मिडलाइन क्रॉसिंग क्या होता है। जब हम लोग अपना राइट, कोई भी राइट बॉडी पार्ट लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि आपने ये जो मिडलाइन है इसको क्रॉस किया आपने किसी भी पार्ट से, किसी भी साइड से, दैट इज मिडलाइन क्रॉसिंग। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि हमारे जो दोनों ब्रेन्स हैं, जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं, अगर मिडलाइन क्रॉसिंग नहीं होगी तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो उन दोनों ब्रेन्स को कोऑर्डिनेट करने में मिडलाइन क्रॉसिंग इम्पॉर्टेंट है। मिडलाइन क्रॉसिंग कराना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अगर मैं बात करूँ, 4-5 महीने का बच्चा मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ अपने आप कर लेता है कि उसके आगे आप कुछ रखिए, वो इधर से उठा रहे हैं, उधर से उठा रहे हैं, क्रॉल कर रहे हैं, नेचुरल ये चीज़ आ जाती है, सिखानी नहीं पड़ती है। बट अगर हम लोग कुछ बात करें, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इश्यूज होते हैं बच्चों में जिनकी वजह से वो मिडलाइन क्रॉसिंग नहीं करते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो लर्निंग है वो हैम्पर करती है। तो मिडलाइन क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जो बच्चे मिडलाइन क्रॉसिंग नहीं करते हैं उनको हम हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू कि मिडलाइन क्रॉसिंग हो। अब मैं बहुत बार वीडियोस में, कमेंट्स में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ कराइए। मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो उसके क्या क्या इश्यूज़ रहेंगे। एक तो उसके दोनों ब्रेन्स का कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो उनकी अटेंशन, उनकी लर्निंग नहीं होगी, उनकी लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी नहीं होगी। उनको डे टू डे जो टास्क होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, अपने शूज़ पहनना, अपने कपड़े पहनना, स्पोर्ट्स में उनका बैलेंस अच्छा नहीं होगा, तो बहुत सारे इश्यूज़ उनको आते हैं। तो अगर हमारी ओवरऑल ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं होंगी तो हमें अटेंशन के साथ साथ हमें डे टू डे टास्क में भी दिक्कत आती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स रहती हैं अगर हम मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, मिडलाइन बच्चा क्रॉस नहीं करता है। मिडलाइन क्रॉसिंग से ये सारी इश्यूज़ बहुत जल्दी ओवरकम आते हैं। सबसे पहला बेनिफिट मिडलाइन क्रॉसिंग का कि हमारे दोनों ब्रेन्स सिंक में आते हैं, दोनों ब्रेन्स एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक्टिव होते हैं, और उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है, जिसकी वजह से बच्चे का अटेंशन, फोकस, लर्निंग बहुत अच्छा रहता है। अब एक चीज़ होता है विजुअल ट्रैकिंग। अगर मैं ऑटिज्म में बात करूं, हम लोग कहते हैं आई कांटेक्ट नहीं देता है बच्चा। एक और इश्यू रहता है, और मुझे नहीं पता कितने बच्चों के, बस कृष्णा के साथ बहुत ज़्यादा था, और ऑटिज्म में मैंने देखा है, होता है विजुअल ट्रैकिंग। विजुअल ट्रैकिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ को नोटिस करना। अगर सपोज़ कीजिए उसके आगे से कोई पर्सन ऐसे जा रहा है, वो नोटिस ही नहीं करेंगे। उनकी विजुअल ट्रैकिंग इज़ वेरी पुअर या ज़ीरो होती है। पुअर भी हो सकती है और ज़ीरो भी, निल भी हो सकता है। कृष्ण वाज निल, उसको पता ही नहीं चलता था उसके सामने से कोई उठ के गया, उसके सामने से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो कर दो, वो उसको नोटिस ही नहीं करेंगे। विजुअल ट्रैकिंग इज़ ज़ीरो।
अब जब विजुअल ट्रैकिंग नहीं है, बच्चा उस चीज को नोटिस ही नहीं कर रहा है, देख ही नहीं रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ऑब्वियसली उनका अटेंशन नहीं है, उनका फोकस नहीं है, उनकी लर्निंग कहाँ से होगी। तो मिडलाइन क्रॉसिंग जब बच्चा करता है तो उनकी विजुअल ट्रैकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। विजुअल ट्रैकिंग अगर उनकी अच्छी होगी तो वो चीज़ों को नोटिस अपने आप करना शुरू करेंगे। जब वो चीज़ों को नोटिस करेंगे, देखेंगे, तो वो देखेंगे, उनकी अटेंशन बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उनकी लर्निंग बढ़ेगी। तो विजुअल ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है बच्चे की लर्निंग में, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में, ओवरऑल अटेंशन में। तो ये चीज़ भी अगर मिडलाइन क्रॉसिंग नहीं कर रहा है बच्चा, तो ये चीज़ भी उससे कम रहती है या नहीं रहती है। तो मिडलाइन क्रॉसिंग जब आप कराते हैं, आप धीरे धीरे आप कहेंगे ना, मैं बच्चे के सामने कुछ भी करती रहती हूँ, इधर से उधर जाते हैं, उधर से जाते हैं, बच्चा देखता ही नहीं है, नोटिस ही नहीं कर रहा है, बिकॉज मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ उसका जब आप कराएंगे तो वो सारे इश्यूज़ अपने आप सॉर्ट आउट होते चले जाएंगे। आपको इतनी मेहनत अफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, बच्चा नोटिस करना स्टार्ट करेगा, आप एक्टिविटीज़ पे फोकस कीजिए। जब हम कहते हैं ना, एक सुनार एक लोहार की सो सुनार की, हम लोग बड़े मज़े से लगे रहते हैं बट हमें राइट तरीका नहीं पता, राइट एक्टिविटी नहीं पता। हम बच्चे की ट्रैकिंग पे काम करें यार, वो नोटिस करना शुरू कर दे कि कोई चीज़ मैं फेंक रही हूँ, मैं ऊपर कर रही हूँ, मैं नीचे कर रही हूँ, बट बच्चा नोटिस ही नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या रहता है, क्योंकि बच्चे की विजुअल ट्रैकिंग इज पुअर। तो विजुअल ट्रैकिंग, अब आपने एक चीज एनालाइज की, विजुअल ट्रैकिंग पुअर है, तो हमने उसको विजुअली चीजें नहीं दिखानी, हमने उसका रीजन ढूंढना है क्यों पुअर है। जब हम उस रीजन पे काम करेंगे तो वो चीज अपने आप ठीक होने लग जाएगी। तो हमें हमेशा चीज की क्या रीजन है और क्यों हो रहा है, मैं उसको कैसे, जब हम इन चीज़ों पे फोकस करके काम करते हैं तो रिजल्ट बेटर मिलते हैं। और जब रिजल्ट मिलना शुरू होता है तो ऑब्वियसली मोटिवेशन आता है, यस मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ या मेरा बच्चा इंप्रूव कर रहा है, तो यस एक उम्मीद आती है, एक होप आती है कि आज इसने ये चीज़ सीखी, आज इसने विजुअली ट्रैक किया है चीज़ को, तो ऑब्वियसली ये आगे आगे और चीज़ें सीखना शुरू करेगा। तो ये चीज़ें जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इतने लंबे लंबे भाषण लेक्चर इसीलिए देती हूँ कि शायद आप लोगों को इससे समझ में आए कि प्रॉब्लम तो है लेकिन उसकी जड़ क्या है और उस पर हमें काम करना है, ताकि जल्दी से उस पर इम्प्रूवमेंट आए और जल्दी से हमें रिजल्ट्स और फ्रूट्स मिलने लगें। तो मिडलाइन क्रॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना मिडलाइन क्रॉसिंग पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे का डेवलपमेंट आप देखेंगे। दिन में मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें, हम उसमें एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम उसमें एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट प्ले एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं। एटलीस्ट दिन में 2 या 3 बार आपने मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, जिससे बच्चे का अटेंशन लर्निंग अच्छी रहे। तो ये सारा था मिडलाइन क्रॉसिंग के बारे में। देर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस मिडलाइन क्रॉसिंग की, कि बच्चा अगर कोऑपरेटिव नहीं है या बहुत छोटा है, अपने आप नहीं कर सकता, तो हमें एक्सरसाइजेस कैसे करानी है, मैंने उस पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मिडलाइन क्रॉसिंग की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और हो सकती हैं, उसका जो भी हैं मिडलाइन क्रॉसिंग की एक्टिविटीज़, उनके लिंक्स मैं डाल दूंगी। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ के फोल्डर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़, डिफरेंट ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ जो आप अपने बच्चों के साथ घर पर कर सकते हैं। लेट्स हैव द लुक ऑन द वीडियो। सो दिस इज द एक्टिविटी नंबर 1, मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी। इसमें सिंपल डिस्पोजेबल कप्स और बॉल्स का यूज़ किया है, इस तरह से सेटिंग करनी है। अब बच्चे को इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ बॉल ट्रांसफर करना है और स्क्वाट वॉक में चलना है, स्क्वाट पोजीशन में। स्पेशली आप ध्यान रखिए, स्क्वाट पोजीशन में ही बच्चे को वॉक करना है, ताकि उसकी जो लेग मसल्स हैं वो भी टोन्ड एंड स्ट्रांग हो, मसल स्ट्रेंथनिंग हो। इस एक्टिविटी से बच्चे का बैलेंस बहुत इंप्रूव होता है, यानी कि ये मल्टीटास्किंग एक्टिविटी है। मिडलाइन क्रॉसिंग के साथ साथ हम इस पे बच्चे की मसल स्ट्रेंथनिंग और बैलेंस पे काम कर रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे बॉल्स को ट्रांसफ़र करना है,
तो उसके लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा फोकस और अटेंशन चाहिए और ध्यान देना पड़ता है कि मुझे किस तरफ से बॉल को उठाना है और किधर रखना है, तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में। ये बहुत ही अच्छी मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी है। इसमें बच्चा जो है, आप देखेंगे मैं इसको साउंड दे रही हूँ, उसी तरफ उसको टर्न करना है और ब्लॉक को लेना है। इससे जो एक बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी आती है ऑटिज्म में, सिलेक्टिव लिसनिंग, कि हम बुलाते हैं बच्चा सुनता नहीं, वो अपनी पसंद की आवाज़ और बातें सुनता है। तो इससे जो वो हियरिंग है, सिलेक्टिव हियरिंग के इश्यूज़ हैं कि बच्चा सुनता नहीं है या ध्यान नहीं देता है, वो इश्यूज़ भी सॉल्व होते हैं। तो अगर आप इस तरह की लिसनिंग एक्टिविटीज़ की बच्चे को आइडेंटिफाई करना पड़े कहाँ से आवाज़ आ रही है, कैसे आ रही है, तो ये सेलेक्टिव लिसनिंग वाले इश्यूज़ भी सॉल्व होते हैं। अब ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें अगेन बच्चे को क्रिस क्रॉस वॉक करना है, मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी है। इससे जो है बाउंड्री कॉन्सेप्ट भी बच्चे को समझ में आता है कि बच्चे को कहाँ पर किस तरह से मूव करना है। तो बच्चे को अब इसमें जो है टच नहीं करना है ग्लासेस को, तो एक जो हम लोग कहते हैं कि बच्चे को ऑब्जेक्ट्स ध्यान नहीं देता है, बच्चा चलते चलते चीज़ों में टक्कर मार देता है, उसका जो है अटेंशन नहीं रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए कि बच्चे को इसको टच नहीं करना, गिरने नहीं देना है। तो जो अटेंशन और फोकस के इश्यूज़ हैं, साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट कि कहाँ से कैसे वॉक करना है, वो सारी चीज़ें, लुकिंग डाउन वाला कॉन्सेप्ट कि नीचे देखकर चलें, वो समझ में आता है। नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन एक मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी है। इसमें हम बच्चे को लेफ्ट एंड राइट का इंस्ट्रक्शन देते हुए बॉल्स को उसी अकॉर्डिंगली उसी बॉक्स में डालने को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब इससे लेफ्ट एंड राइट कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर हो रहा है। अगेन मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी के साथ साथ बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है फोकस चाहिए कि किस तरह से मुझे उस बॉल को पकड़ना है अपने लेग्स के थ्रू। तो उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन एंड फोकस चाहिए, कंप्लीट बॉडी जो है उसको अपनी सिंक में चाहिए मूवमेंट के लिए, और साथ ही साथ हमने लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट भी बच्चे को क्लियर किया। सो ये बहुत अच्छी ग्रुप एक्टिविटी रहती है। इसमें मिनिमम दो लोग चाहिए, दो की बजाय अगर तीन या चार लोग भी हों तो बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है एज ए ग्रुप थेरेपी सेशन ऑल्सो। इसमें बॉल को ट्रांसफ़र करना है तो मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी होगी, साथ ही साथ बच्चे को सोशली दूसरे लोगों के साथ कैसे इन्वॉल्व होना है, कैसे कोऑपरेट करना है, कैसे अपनी टर्न का वेट करना है, और साथ ही साथ दूसरों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है, जो हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं, वो सब चीज़ें बच्चे को करनी आएगी। ये हम घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर बच्चे के साथ एक्टिविटी करते हैं तो बहुत अच्छी ग्रुप एक्टिविटी भी रहती है और बच्चा सोशली थ्राइव करता है, सोशली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है इस एक्टिविटी के साथ। अगर मैं मिडलाइन क्रॉसिंग की बात करूँ तो सबसे फेमस जो रहती है एक्टिविटी वो होती है नंबर 8। जितने भी थेरेपिस्ट या जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर मिडलाइन क्रॉसिंग की बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पे नंबर 8 रहेगा। तो ये नंबर 8 एक्टिविटी है, बच्चे को बॉल के साथ अपनी लेग्स में से निकाल कर नंबर 8 बनाना है, नंबर 8 को फॉर्म करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे को अपना बैलेंस चाहिए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एंड फोकस चाहिए, और बहुत ही अच्छी ग्रोस मोटर एक्टिविटी रहती है बच्चे के लिए। सो नेक्स्ट एक्टिविटी मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी, जो कि मैं जिम बॉल पे कराती हूँ कृष्णव को। इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, मैंने इसमें अभी रिंग्स लिए हैं क्योंकि रिंग्स बहुत इजी रहते हैं बच्चे के लिए स्टार्टिंग लेवल पे। बच्चे को एक तरफ आपने रिंग रख दिया और उसको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करना है, तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड वेस्टिबुलर एक्टिविटी, प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे को इसमें आप मोशन के साथ ये एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसकी मोशन की नीड भी पूरी हो रही है। तो इसमें बच्चे का अंडर रीच ओवर रीच,
कि मुझे कोई चीज़ पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना हैंड को दूर लेकर जाना है, वो सब कॉन्सेप्ट भी इस एक्टिविटी के साथ आप क्लियर कर रहे हैं। तो हर एक्टिविटी का सिर्फ एक बेनिफिट नहीं होता, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आप अकॉर्डिंगली बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। डिफरेंट, जैसे जैसे बच्चे का लेवल अप होता जाए वैसे वैसे आप एक्टिविटी का लेवल अप कर सकते हैं। सो दिस एक्टिविटी टेंडम वॉक ऑन द ग्राउंड, जिसमें मैंने नंबर 8 अपने फ्लोर पर बना दिया है, उस पर जो है बच्चे को टेंडम वॉक करते हुए कंप्लीट करना है। एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी आपने देनी है। टेंडम वॉक होता क्या है और कैसे करते हैं, कैसे बच्चे से करवा सकते हैं, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे को नंबर 8 में ही वॉक कराना है। कई कई बार क्या होता है वो सर्कल में वॉक करने लग जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, नंबर 8 पर वॉक कराना है। इसमें हमने एक लेवल अप कर दिया टेंडम वॉक का, इसमें टायर्स का यूज़ किया है, हाइट दे दी है बच्चे को, जिससे उसको एक हाइट पे टेंडम वॉक करते हुए नंबर 8 की फॉर्मेशन बनाना है। तो इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा बैलेंस चाहिए, बैलेंसिंग इम्प्रूव होती है, और ग्रोस मोटर एक्टिविटी है तो ओवरऑल बॉडी टोन्ड होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, अभी इतना ही डाला है मैंने, ये सारी ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी हो सकती हैं, उनका वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगी। कुछ ये तो ग्रोस मोटर एक्टिविटीज़ हुई, अब कुछ जिसमें हमने बच्चे को खड़ा करके चलाकर हमने कराया। बहुत सारी मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ होती है जो सिटिंग पोस्चर में हम बच्चे के साथ कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगी, ताकि हम लोग अगर सिटिंग पोजीशन में बच्चा कंफर्टेबल है, हमने उसमें कैसे कराया, खड़े खड़े हमने कैसे कराया, हर तरह से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि हम बच्चे के साथ किस तरह से मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ करें। अब एक और बात आती है, एक एक्टिविटी मैं कितने टाइम के लिए कराऊं? देखिए, जब तक बच्चा करने में कंफर्टेबल अपने आप ना हो जाए तब तक आप एक एक्टिविटी पे स्टिक रहिए। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, किसी किसी एक्टिविटी में तो हो सकता है 6-6, 7-7 मंथ्स लग जाए बच्चे को अपने आप करने में। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए, हमें ही बच्चों के साथ करना है, हमें ही पेन लेना है, क्योंकि एंड रिजल्ट और उसका फ़ायदा भी हमें ही होगा। अब बच्चे को देख के सबसे ज़्यादा डिप्रेशन माँ को आता है, फादर फिर भी निकल जाएंगे अपनी अपनी जॉब पे, वो भी परेशान होते हैं, बट एक मदर है जो पूरा दिन बच्चे को देख के इरिटेट होती हैं, डिप्रेस्ड होती हैं, फ्रस्ट्रेट होती हैं। तो और एक मदर ही है जो सबसे ज़्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती है। तो आप उसको एक इस तरह से मत करिए, मतलब मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अगर मैंने अपना दिन प्लान किया है कि मुझे 2-3 घंटा उसको थेरेपी की तरह लेना है, बिकॉज़ मैं बाहर थेरेपी के लिए नहीं जाती हूँ, तो मैं इसलिए 2-3 घंटा उसको एज ए थेरेपी घर पे लेती हूँ। तो आई एम वेरी डेडिकेटेड कि मुझे थेरेपी बाहर नहीं कराना, तो मुझे घर पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग बाहर थेरेपी करा रहे हैं, बच्चा वहाँ पर ऑलरेडी 2-3 घंटा अपना देकर आ रहा है, घर पर आप फिर बहुत ज़्यादा पुश करके बच्चों को बहुत देर तक मत कराइए, रादर देन आप एन्जॉइंग एक्टिविटीज़, बच्चे के साथ इन्वॉल्व होइए, बच्चे के प्ले में इन्वॉल्व होएं, उनको नई नई चीज़ें उन्हीं के वे में जाकर सिखाएं, ताकि वो भी आपके साथ एन्जॉय करें, आपको भी फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन कम हो। हमेशा बच्चे को उन एक्टिविटीज़ में रखिए जो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। बस स्क्रीन मत दीजिए, स्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं ना एक जहर की तरह उनके ब्रेन के लिए काम करता है। अगर आपका बच्चा नहीं शांत हो रहा है, उसको कोई चीज़ दे दीजिए, लाइक कोई टॉय, कोई एक्टिविटी जो उसको बहुत पसंद है, आप उसके साथ बैठ के कामली गाने सुनिए, गाने गाइए। अगर बच्चे को डांस पसंद है, कृष्णा को आजकल डांस का बड़ा शौक है, मैं तो गाना चलाती हूँ और वो कुछ भी स्टेप कर रहा है, मैं उसके साथ डांस करने लग जाती हूँ, मेरी भी थेरेपी हो जाती है। इट्स लाइक क्यों, आई ऑल्सो लव सिंगिंग एंड डांसिंग, तो मेरे को भी एक रिलैक्सेशन हो जाता है, ही ऑल्सो एन्जॉयज, और बीच बीच में हम लोग डांस मूव्स लर्न करते हैं, ही लर्न सो मेनी स्टेप्स, अब हफ्ते में 4-5 स्टेप्स उसको समझ में आने लगे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो ए लर्निंग।
डांस इज ऑल्सो लर्निंग, कि वो सीख रहा है बच्चा कि किस तरह से, किस टाइम पे, किस म्यूजिक पे कैसा स्टेप करना है. तो एंग्जाइटी स्ट्रेस कम होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी बर्न होती है, हाइपर एक्टिविटी कम होती है. साथ ही साथ उसमें आपने ऐसे किया डांस स्टेप्स में, तो मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी हो गई, ग्रोस मोटर एक्टिविटी हो गई, बच्चे का बैलेंस इंप्रूव हो रहा है. आप हर चीज़ को थेरेपी टर्म में देखते हैं, तो हर नॉर्मल चीज़ जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, दे आर ऑल्सो थेरेपी, हमारे लिए भी उनके लिए भी. क्योंकि डेली लिविंग की चीज़ें, हमारा एंड गोल तो यही है ना कि हमारा बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंटली जिंदगी व्यतीत कर पाए, अपनी जिंदगी खुद जी पाए. तो वो अपनी इंडिपेंडेंटली काम कब करेगा, जब हम उसे इंडिपेंडेंटली काम करना सिखाएंगे. थेरेपी उस चीज़ में हेल्प आउट कर रही है, बट आपने घर पे भी उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है कि ठीक है आप अपने बर्तन खुद रख के आइए, आप अपना स्पून से खाना खाइए, आप अपने बटन बंद करके देखिए, आप अपने ब्रशिंग खुद कीजिए. जब हम उनको डेली रूटीन के काम सिखाना शुरू करते हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी और आपकी लाइफ ईजी होगी. तो हमेशा हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि सिर्फ थेरेपी एक्टिविटीज़ पे ही फोकस नहीं करना है. अगर थेरेपी आप बाहर से ले रहे हैं, आप घर पे भी उसकी थेरेपी कर रहे हैं, तो वो बच्चा थेरेपी 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 एक्टिविटीज़ में ही रह जाएगा. आप उसको अपने कामों में भी इन्वॉल्व कीजिए कि उसने अपनी बुक निकाली है तो उसको बैग में खुद रखना है, जिप बंद कर दो, जिप ओपन कर दो, लंच बॉक्स ओपन करो, लंच बॉक्स क्लोज करो, बेसिक इंस्ट्रक्शंस, डेली रूटीन के काम, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, एक खुशनुमा, उसको ये ना लगे कि हर टाइम 24 घंटे मेरे सर पर एक टीचर एक थेरेपिस्ट बैठा हुआ है और मैं अपनी लाइफ अपने मन से जी नहीं सकता. तो अगर ऐसा सीन आ जाता है, तो कहते हैं ना हम लोगों के सर पे, इमेजिन कीजिए एक पीरियड सबकी लाइफ में ऐसा रहा होगा जब सर पे डंडा लेकर कोई ना कोई आपके सर पे 24 घंटे बैठा होगा, उस टाइम आपको ऐसा लगता होगा बस ये गेट खुले और मैं निकल के भाग जाऊं और खुली हवा में सांस लूं. जब बच्चों के साथ भी अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे तो उनका अटेंशन नहीं रहेगा, वो सिर्फ ये सोचेंगे कब ये रूम खुलेगा, कब ये यहाँ से जाएगी और कब मैं आज़ाद होऊंगा. वो वाली फीलिंग भी उनको मताने दीजिए. उनको आपकी कंपनी इंजॉय कराइए कि वो आपके साथ रहना पसंद करें, आपकी कंपनी को पसंद करें, ताकि उनका अटेंशन फोकस जो आप कह रहे हैं उसमें ज़्यादा रहे, जो आप करवाना चाह रहे हैं उसमें ज़्यादा रहे. तो वो प्यार, वो आज़ादी, कहते हैं ना बच्चों की अटेंशन के लिए हमें दो तीन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए. हमें बहुत ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, दूसरी चीज़ हमें उन पे हर बार पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए, तुमने ये ऐसे कैसे कर दिया, ये गलत है, ये से. उनको अपने मन मुताबिक भी कुछ करने देना चाहिए, तभी अगर वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं करेंगे, आप ही उनको करवाते रहेंगे, तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होगा. गिव देम टाइम जो उनका ब्रेन यूज़ करने, मतलब वो इंडिपेंडेंटली अपना ब्रेन यूज़ कर पाएं. ऑब्जर्व देम कि वो किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको भी फ्रीडम मिलेगी उनके खुद को टेस्ट करने की कि यार अब मैं ये कर रहा हूँ. वो भी इनोवेशन तभी आएगी जब आप उनको फ्री प्ले का टाइम देंगे. अदरवाइज़ क्या होगा, हम सिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके अलावा उनके माइंड में कुछ नहीं आएगा, वो अपनी इनोवेशन नहीं लगा पाएंगे. थेरेपी इज थेरेपी. जब उनका फ्री टाइम है, इट्स प्ले टाइम, आप उनके प्ले में इन्वॉल्व हुईए, मतलब एज अ थेरेपी वो टाइम यूज़ ना कीजिए. मैंने 3 घंटे थेरेपी करनी है, उसके अलावा जो टाइम है इट्स मी एंड हिम प्ले टाइम. उसमें जो उसका मन होगा वो हम करेंगे, जो मेरा मन होगा अगर वो एंजॉय कर रहा है उसको तो वो हम करेंगे. और फ्री टाइम में मैं उसको कुछ एक चीज़ें दे दूँगी, 2-3 ऑप्शंस. मैं ये नहीं है कि उसको चूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे देती हूँ, 3 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस दे दिया, उसके सामने में से वो जो चूज़ कर रहा है उसको मैं प्ले करने दूँगी. क्योंकि फिर मेरे को ये पता है ना मैंने ये 3 चीज़ों से उसको देना है, ये 3 चीज़ों में से वो चूज़ करेगा, तो उसमें उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता है, यस ये मेरी चॉइस की चीज़ है, ये मेरी माँ ने नहीं ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपा.
तो अगर मैंने उसके सामने पजल रख दी, बैट बॉल रख दिया, मैंने उसके सामने रिंग रख दिया, अच्छा कृष्णा आपको इसमें से क्या करना है, तो अब उसमें क्या हुआ, ही मेड हिज ओन डिसीजन, उसने अपनी चॉइस अपने आप लिया कि मुझे अब रिंग चाहिए, अब उसने अपना डिसीजन खुद लिया है मुझे रिंग चाहिए, तो वो उसकी तरफ और ज्यादा पैशनेटली काम करेगा, रादर देन मैं कहूं कृष्णा अब रिंग से खेलो, यार मुझे तो नहीं खेलना, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा, बट मैंने उसके सामने दो तीन ऑप्शंस दी हैं, उसमें से उसने चूज किया, यस मुझे इससे खेलना है, उसको फोर्थ चीज का ध्यान नहीं आएगा कि मुझे ये और चाहिए, क्योंकि मैंने उसके सामने दो या तीन ऑप्शंस प्रेजेंट की हैं, तो ही विल डू इट मोर लविंगली, वो और ज्यादा अच्छे से उससे रहेगा, और अगर मैं उसको कोई ऑप्शन, हम लोग यूजुअली क्या कहते हैं, ऑप्शंस नहीं देते हैं, बच्चा खुद अपनी ऑप्शंस क्रिएट करता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आपने दे दिया और बच्चा किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ही विल गेट बोर, और या फिर दूसरा सिनेरियो क्या रहता है कि हम देते हैं, नहीं अब तुम ये करो, नहीं तुम अब ये खेल लो, तुमने इससे खेल, उसमें बच्चे को इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा, मैं ऐसे क्यों करूं, इसने कह दिया, मतलब वो डिसीजन मेकिंग पावर हमने उनको नहीं दी, जब आप उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे देंगे तो दे विल बी मोर हैप्पी, तो हमेशा चॉइसेस दीजिए दो या तीन, उसमें से चूज उन्हें करने दीजिए, तो बड़ी इजीली बच्चे मैनिपुलेट हो जाते हैं, दिस इज द मैनिपुलेशन टेक्निक, तो इस तरह से हम बच्चों की बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था, ये था मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें मैंने 9 एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर की हैं, जल्दी ही लेकर आती रहूँगी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ, और आई होप आप लोगों को मेरे ये वीडियोज़, मेरा ये चैनल पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू सो मच।